ये सनु जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है, देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं लगातार गिरावट की ओर जाती हुई नजर आ रही है, जिस हिसाब से ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ने का अनुमान है और घरेलू स्तर पर देखें तो डोमेस्टिकली सोयाबीन की जो फसलें हैं भारी बारिश के चलते, खराब मौसम के चलते बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नजर आई है काफ़ी ज़्यादातर राज्यों में, आपको क्या लगता है कि एक तरफ फसलों का खराब होना, दूसरी तरफ प्रोडक्शन बढ़ना, क्या ऐसे में सोयाबीन की कीमतों में आगे नरमी देखने को मिल पाएगी या फिर तेजी? देखिए सोयाबीन में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा क्योंकि जो अराइवल्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं जी। आगे नरमी ही देखने को मिलेगी क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है वो भावों को नरमी की तरफ ले जा सकती है। हमें लगता है कि अभी जो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है वो कंटिन्यू रहेगा और एडिबल ऑयल में सभी खाद्य तेलों में यहाँ आने वाले समय नरमी का रुख देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो नीचे हमें लगता है कि 5500 से लेकर 5400 रुपए तक के सोयाबीन के भाव यहाँ देखने को मिल सकते हैं जी।